आज जो मैंने तुमसे क्लास के बाद कहा है, इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज जो आज के सबके पास होती है, इम्पेशेंस। और इम्पेशेंस से तुमको एक बीमारी होगी जो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगी, और उस बीमारी का नाम है एंजाइटी। और एंजाइटी क्या करेगी, जब तुम एग्जाम देने जाओगे बस उसी वक्त तुम्हारे ऊपर हावी होगी। 60 क्वेश्चन कर रहे हैं पास करने के लिए, 15 गलत करवा देगी एंजाइटी। तो तुम प्री देते ही रहोगे, तुम्हें जिंदगी में कभी पता ही नहीं चलेगा कि यार मेरा हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि उस पर्टिकुलर समय में तुम एंजाइटी के शिकार हो जाओगे। आता तुम्हें सब रहेगा, जब तुम क्लासरूम के बाहर पेपर करोगे तो तुम 65 मार गया होगे, 70 मार गया होगे, लेकिन जब तुम क्लास में बैठोगे एग्जाम देने, बस 15 क्वेश्चन तुम गलत कर दोगे। जब तुम मेंस लिखोगे तो वो जो क्रूशियल पॉइंट्स होंगे ना, वो एंजाइटी की वजह से नहीं रिकॉल होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट रहेगा। तुम सोचोगे जल्दी से लिख दें, तो उस जल्दी करने में क्या होगा कि जो क्रूशियल पॉइंट्स होंगे, जैसे अभी एक लड़का 2 दिन पहले बैठा, तीसरा इंटरव्यू दिया, 40 नंबर एसए में कम हो गए। वॉर तो होना ही है, तभी तुम 10th में परसेंटेज लाने के लिए लड़ रहे थे, परेशान थे ना, फिर 12th में, फिर इंजीनियरिंग के मार्क्स, फिर वहां का एग्जाम। और हर बार हम लोगों से क्या कहा गया था कि बेटा ये लास्ट एग्जाम है बेटा, अब बेटा इसके बाद 12th में बेटा 98 आ गया तो समझ लो जिंदगी में तुम्हें पढ़ना ही नहीं। और ये किसी, ऐसा नहीं मेरे साथ हुआ, मेरे साथ तो खैर हुआ ही नहीं, ये सबके साथ होता है। तो वॉर इज अ सिनोनिम ऑफ लाइफ, होना ही होना है। और कब होगा, जब कोई राइज करने की कोशिश करे। वॉर जिंदगी में कब होगा, जब तुम राइज करने की कोशिश करोगे। जैसे तुमसे टीचर ने क्लास में पूछा कैपिटल ऑफ यूपी, तुमने कहा सूरत, तो इस क्लास में तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, सब ऐसे पलट के देखेंगे और बड़ा सिंपैथेटिकली तुमको देखेंगे, ये बेचारा उसका पैसा डूब गया। इसलिए अगर जिंदगी में जीतना है तो अपने आप को छुपा के रखो, तुम्हारे जीत की खबर, तुम्हारे टैलेंट की खबर न्यूज़पेपर दे कि मिस्टर सो एंड सो फर्स्ट रैंक इन आईएएस, पूरी क्लास सरप्राइज्ड हो जाए, ये ऐसा तो नहीं था। मैं एक बार मेंस का आंसर लिखा था, टीचर ने कॉपी फाड़ डाली थी, इससे पता क्या फायदा होगा, तुमको कभी कोई छेड़ेगा नहीं, कोई नहीं छेड़े, अंदर बाहर रिश्तेदार नेबर, और छेड़ेगा छोड़ो, लोग मदद करेंगे तुम्हारी, पैसा भी देंगे। तो तुमने किसके दिया कि भैया आज पैसे नहीं है, सिगरेटी नहीं, ये लो रख लो, क्योंकि जानते हैं तुम खत्म हो, हैं? कुछ फॉर्मूले जो मैंने क्लास में बताए ना, उनको जाके डायरी में लिखो, मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। ये सब तो किताब में लिखा हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी पढ़ा दे। उसका जो हिडन मैसेज है, हिडन, मैं बता चुका हूं तुमसे, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। एरिस्टोक्रेसी की अगर दोस्ती है तो उसका मतलब इंटरेस्ट है, और गरीब की दोस्ती है तो इमोशन है। अब जबलपुर से एक भाई साहब साइकिल पे चले गए सलमान खान से मिलने, जबलपुर से बंबई चले साइकिल से गए, वो अच्छी बात है, प्रेम रहा होगा, भावुकता रही होगी। तो सलमान खान ने कौन सा एक फिल्म का पैसा दे दिया, खाना खिलाया, सेल्फी ली, जा। किसी पार्टी के लिए चला देते,
हो सकता है एमएलए का टिकट दे देता। जब मेहनत ही करनी है, लेकिन वो मेहनत किस लिए हुई? भावुकता में हुई। एक मेहनत राहुल गांधी जी ने भी की, भारत जोड़ो यात्रा। तो वो जो आदमी सलमान खान से मिलने गया, वो स्टेप, वो मेहनत हुई किसमें? इमोशन में। उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। इमोशन का रिटर्न दुनिया में कुछ है ही नहीं, स्पिरिचुअलिज्म में है, दुनिया में नहीं। यहां ज्यादा इमोशनल आदमी को बेवकूफ कहा जाता है, और दिल्ली जैसे शहर में 5 साल रहने के बाद इमोशन खत्म हो जाता है, क्योंकि गंगाराम चौराहे पे एक लेडी खड़ी होती है प्रेग्नेंट, उसके साथ 4 औरतें खड़ी होती हैं। भैया इसको बच्चा होने वाला, भैया अभी हो जाएगा, भैया पैसे दे दीजिए भैया। और तुम नए नए आए हो, तुम तुरंत कुछ ना कुछ निकाल के दे दोगे। फिर वही गैंग तुम्हें रोहड़ी चौराहे पे मिल गई, फिर तुमको आईटीओ चौराहे पे मिल गई, सेम गैंग। बस तुम्हारे अंदर गुस्सा पैदा हो कि बेवकूफ बनाया, ऐसे ही मांग लो। इसलिए जब तुम शहर में रहने लगते हो तो गांव वाले कहते हैं कि आत्मा मर गई इसकी, क्योंकि शहर में हर चीज धंधा है और गांव में हर चीज रिश्ता है। दोनों के अप्रोच में बहुत फर्क है। और इस दुनिया में किसी का कोई कैरेक्टर ही नहीं है, बुद्ध का है, महावीर का है, दादू का है, नानक का है, रैदास का है, बाकी यहां सब नंगे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, चाणक्य कहता है। मैं क्यों कहूंगा ये सब बातें, यहां सब अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, ये मैं कह रहा हूं, ये मेरा स्टेटमेंट है। ये जो दूसरे वाले स्टेटमेंट मैं बोलता हूं, ये सब लिख लो, ये वाला नहीं।